कक्षा 5 के बच्चों के लिए। बच्चों, आज हम हिंदी पढ़ेंगे। पहले पाठ में एक कविता है। कविता का शीर्षक है वह शक्ति हमें दो, और कवि हैं मुरारी लाल शर्मा देशबंधु। इस कविता के द्वारा कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे ईश्वर, हमें अच्छा इंसान बना, हमें अच्छे गुण जैसे प्रेम, दया, ममता, सहयोग, अहिंसा, परोपकार आदि गुणों को ग्रहण करने की शक्ति प्रदान कर, ताकि हम इंसान एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ सकें और इस धरती को स्वर्ग से सुंदर बना सकें। आइए पहली 4 पंक्तियों को समझें। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाएं। इन पंक्तियों के कठिन शब्द हैं दया निधे। इसका अर्थ है दया निधान या ईश्वर। कर्तव्य का मतलब है वह काम जो हमारा है, मतलब एक विद्यार्थी का काम क्या है, पढ़ना, यह उसका कर्तव्य है। मार्ग, मार्ग का मतलब है रास्ता। पर सेवा पर उपकार, दोनों का ही अर्थ दूसरों की सेवा करना। जग जीवन, इसका अर्थ है जगत या संसार और हमारा अपना जीवन। इन 4 पंक्तियों के द्वारा कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं और कहते हैं, हे ईश्वर, हमें शक्ति दो, हमें ताकत दो कि हम अपने काम को अच्छी तरह पूरा कर सकें। दूसरों की भलाई, दूसरों की सेवा कर जग को या संसार को और अपने जीवन को सफल बना सकें। दूसरी 4 पंक्तियों या दूसरा परिच्छेद, हम दीनहीन निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरें, जो हैं अटके भूले भटके उनको तारें खुद तर जाएं। इन पंक्तियों के कठिन शब्द हैं दीनहीन अर्थात गरीब, निबलों जिसके पास बल या ताकत ना हो अर्थात कमजोर, विकलों का अर्थ शरीर के किसी अंग में दोष का होना, संताप दुख तकलीफ, हरें या हरना का अर्थ कम करना या दूर करना, अटके भूले भटके का अर्थ ऐसे लोग जो अपने रास्ते से दूर चले गए हैं, उनको तारें, तारें या तरने का अर्थ उनकी सहायता करना, उनका उद्धार करना। दूसरे परिच्छेद का अर्थ है कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे ईश्वर, हमें इतनी शक्ति दो कि हम गरीब दीन दुखियों की सहायता कर सकें, ऐसे लोग जो कमजोर या अपाहिज हैं, हम अपनी सेवा द्वारा उनकी सहायता कर सकें और उनके दुखों को कम कर सकें। जो अच्छे रास्ते से भटक गए हैं या कहीं अटके हुए हैं, उनकी सहायता कर उनकी तकलीफों को दूर कर सकें, उनका उद्धार कर सकें। उन अच्छे कामों को करते हुए हम अपने मानव जीवन को सफल बना सकें। तीसरे परिच्छेद को समझें। छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय से निशिदिन दूर रहें। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधा बरसाएं।
इस परिच्छेद के कठिन शब्द हैं छल, छल का अर्थ धोखा, दंभ का अर्थ घमंड, द्वेष का अर्थ ईर्ष्या, पाखंड झूठ का अर्थ झूठा दिखावा, अन्याय का अर्थ है न्याय ना करना, निषेधिन का अर्थ हर दिन, शुचि का अर्थ पवित्र और सुधा का अर्थ अमृत है। तीसरे परिच्छेद में कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं बुराइयों से दूर रह सकूं, मैं किसी को धोखा ना दूं, कभी घमंड ना करूं, मैं ईर्ष्या और द्वेष ना करूं, पाखंड और झूठ से दूर रहूं, मेरा जीवन सरल और पवित्र हो, मैं खुद बुराई कर दूसरों को भी दुर्गुणों से दूर रख सकूं और पवित्रता का अमृत दे सकूं। परिच्छेद संख्या 4 की पंक्तियों को देखो। निज आन बान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे, जिस देश जाति में जन्म लिया परिधान उसी पर हो जाएं। इस परिच्छेद के कठिन शब्दों को जानें। आन बान का अर्थ है मान सम्मान रुतबा ठाठ बाट। मर्यादा का अर्थ गौरव प्रतिष्ठा मान। अभिमान का अर्थ गर्व। बलिदान का अर्थ है दे देना या कुर्बान कर देना। चौथे परिच्छेद में कवि और भी अधिक नम्र दीन हो जाते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे ईश्वर, मुझे इतना नम्र बना दो और मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपनी मान मर्यादा या अपने आप को अच्छी तरह से पहचान सकूं, अपनी क्षमताओं पर गर्व कर सकूं। साथ ही कवि बहुत बड़ी बात अंत की दो पंक्तियों के द्वारा कहते हैं कि जिस देश में उनका जन्म हुआ है उसकी सेवा करते हुए वे अपने आप को देश के लिए दे सकें या देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर सकें। तो बच्चों, मुरारी लाल शर्मा देशबंधु द्वारा लिखी यह कविता सिर्फ एक कविता ही नहीं, यह एक अच्छी प्रार्थना भी है, जो यह सिखलाती है कि हमें अपने कर्तव्य को करते हुए अपने देश से भी प्यार करना चाहिए और उसके लिए अपने आप को बलिदान करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आपके घर का काम होगा पूरी कविता को अपनी कॉपी पर अच्छी तरह से लिखना, पाठ के शब्दार्थ लिखना और उन्हें याद करना।